हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ जनपद एटा। यानी आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा के एडमिशन प्रोसेस को समझेंगे, कॉलेज की क्या रैंकिंग है, क्या कट ऑफ जाता है, मतलब कितने नंबर पर यहाँ एडमिशन हो जाता है, या आप सभी को कितनी रैंक लानी होगी कि इस गवर्नमेंट कॉलेज को आप सभी को मिल जाए, और यहाँ पर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो अगर आप भी राजकीय पॉलिटेक्निक जनपद एटा यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आप सभी को समझ आएगा कि यह कॉलेज आप सभी के लिए बेस्ट है या नहीं। देखिए, अगर आप एक बेस्ट कॉलेज की चुनाव को देख रहे हैं तो समझिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉलेज का लोकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, फिर वह कॉलेज गवर्नमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आप सभी की मनचाही ब्रांच वहाँ पर चलनी चाहिए, और पढ़ाई भी उतनी ही अच्छी ढंग से हो और उतने ही अच्छे ढंग से प्लेसमेंट हो जाए, और कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ हों वो अच्छी हों, तो आप सभी के लिए वह एक बेस्ट कॉलेज माना जाता है। तो क्या यह कॉलेज जो राजकीय पॉलिटेक्निक एटा है आप सबके लिए बेस्ट है या नहीं, आज की इस वीडियो में समझेंगे, और वीडियो के अंत तक आप सभी को बता दूंगा कि आप सभी को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ अगर आप सभी इस तरीके के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो जो हैं उनका रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, जाकर जितने भी कॉलेज का हमने रिव्यू किया है आप सभी उन कॉलेज को देख सकते हैं, और आप सभी को वहाँ से पता चल पाएगा कि हमें इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और भी अधिक जानकारी के लिए आप सभी कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट दे सकते हैं, मैं आप सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और पर्सनल मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर वहाँ पर फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप सभी को बताना यह ज़रूरी समझूंगा कि आप सभी का जो भी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई है वो फ्री में हो जाएगी, तो उस प्रोसेस को भी इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। जितने भी हमने रिव्यूज़ किए हैं सब में आप सभी को इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सभी को वीडियो के बीच में बताऊँगा कि आप सभी की पॉलिटेक्निक जो है वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, वो किस तरीके से हो जाती है इसको बस समझेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को ऐसे ही सारी अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर यूट्यूब की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी तो टेलीग्राम से आप सभी जल्द से जल्द आप सभी को पता चल पाएगा। चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एटा की हाइलाइट्स को। तो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ है, तो बिल्डिंग्स नई देखने को मिलेंगी। इंस्टीट्यूट टाइप मतलब एफिलिएशन जो है वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से है, अप्रूवल AICTE है, ठीक है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से आप सभी का अप्रूवल होता है। स्टूडेंट का जो काउंट है वो है कितना, 478, तो यहाँ पर लगभग 478 बच्चे पढ़ते हैं, और जो फैकल्टी काउंट है वो 6 है। तो अभी गवर्नमेंट फैकल्टी जो यहाँ पर 6 हैं वो आप सभी को दिख रही हैं, वो अभी बढ़ चुकी हैं। मतलब बढ़ने का ये मतलब है कि 2023 में बहुत सारे नए फैकल्टीज़ का चयन हुआ है, तो आप सभी को आपके कॉलेज में देखने को मिलेंगे नए नए फैकल्टीज़, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नगरिया मोड़ एटा के नाम से यह कॉलेज फेमस है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसा कि आप सभी को पता भी चल पाएगा। और मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने की कोशिश करी तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 2013 बताया जा रहा है। फ़िलहाल आप सभी ज़रूर चेक करिएगा, अभी कॉलेज नया बना हुआ है। फ़िलहाल जो एड्रेस है वो NH 91 एटा, सिकंदरा राव रोड, नगरिया मोड़ एटा है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एटा की जो फैसिलिटीज़ हैं वो है लाइब्रेरी आप सभी को देखने को मिलेगी, लेबोरेटरी, जो जो आप सभी की ब्रांचेज यहाँ पर चलती हैं मैं आगे बताऊँगा आप सभी को कि कौन कौन सी ब्रांचेज यहाँ पर चलती हैं और कितने स्टूडेंट्स हर एक ब्रांच में पढ़ते हैं। लेबोरेटरीज, उस ब्रांच से रिलेटेड फिजिक्स की लेबोरेटरीज, केमिस्ट्री की लेबोरेटरीज, ठीक है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है उसकी लेबोरेटरीज आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको नवंबर दिसंबर महीने में देखने को मिल जाती है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज होता है हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का,
तो फिलहाल अब मूव कर चुके हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहां से समझेंगे कॉलेज का एक शानदार रिव्यू। इंस्टीट्यूट का जो कोड है वो 1613 है। अगर आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो गया है या होने वाला है तो इंस्टीट्यूट का कोड आप सभी ज़रूर याद करके रखिएगा। नाम है कॉलेज का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा राव एटा, ठीक है। आप सभी वेबसाइट देख सकते हैं, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी यहां पर दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है, पिन कोड भी दिया हुआ है, ठीक है। आप ब्रांच को समझ लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच है और यहां पर सीटें कितनी हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है यहां पर 75 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है 75 सीट है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोडक्शन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 टाइप की ब्रांचेज होती हैं, प्रोडक्शन होता है, मेंटेनेंस होता है, ऑटोमोबाइल होता है, डिजाइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 से 6 ब्रांचेज होती है मैकेनिकल में। इस तरीके से लेटरल एंट्री सभी ब्रांचेज में है, 7-7 सीटें आप सभी को लेटरल एंट्री में देखने को मिल जाएगी। 1 सीट गर्ल्स के लिए होती है, बाकी आप सभी के लिए बॉयज़ के लिए होती है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड सिविल इंजीनियरिंग के लिए 18-19 में 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, मैकेनिकल के 24 बच्चों का और आपके इलेक्ट्रिकल के बच्चों का 13, ठीक है। एवरेज पैकेज वही 1.25 यानी लगभग आप सभी के 11 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी देखने को मिल गई है। 2019-20 में 15 बच्चों का मैकेनिकल का, 3 बच्चों का सिविल का, 5 बच्चों का इलेक्ट्रिकल का। 2020-21 में और 1 सिविल का, 10 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल का और 3 इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो जो एवरेज प्लेसमेंट हमने यहाँ से देखा है वो लगभग 50% का है। तो यहाँ पर लगभग 50% बच्चों का प्लेसमेंट इजीली हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो बच्चे प्लेसमेंट लेना चाहते हैं उनका इजीली हो जाता है और धीरे धीरे आप सभी को अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि कॉलेज नया है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी देख सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा और यहाँ पर मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब बात करते हैं कॉलेज की रैंकिंग के बारे में। तो जो कॉलेज की रैंकिंग है वो टॉप 10-20 की रैंकिंग है कॉलेज की और कितने नंबर पर यहाँ पर एडमिशन हो जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा में अगर एडमिशन के लिए बात करें तो अगर आप सभी के स्कोर लगभग 140 के आसपास हैं तो आराम से इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है। अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो लगभग 100 के आसपास अगर स्कोर है आप सभी का तो ईजिली इस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब जो एक्चुअल कट ऑफ है जीकप का उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ देख लेना। बिकॉज मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा था उस टाइम आप सभी को ये नहीं मिल पाया, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ठीक है, या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मांग सकते हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप सभी को बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं जो बता रहा था आपको वीडियो के अंत तक कि आप सभी की पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किस तरीके से हो पाएगी, तो वो जो था वो ये था कि नेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। नेशनल स्कॉलरशिप में 50,000 अमाउंट मिलता है, वो सिर्फ गर्ल्स को मिलता है, और जो नॉर्मल स्कॉलरशिप मिलती है वो 12,000 मिलती है सबको, ठीक है। तो नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में सभी भाइयों बहनों सबको मैं कह रहा हूँ कि ये गर्ल्स के लिए मिलता है। तो आप जो भी आपकी छोटी बहन बड़ी बहन जो भी हैं आप सभी के जान पहचान वाले सबको बता रहा हूँ कि आप सभी इससे परिचित हो जाइए। गवर्नमेंट नेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है तो इसको लेने की कोशिश करिए। और गर्ल्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज़ नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में अवेयरनेस आप सभी को होना ज़रूरी है। तो नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी आप सभी को कोई और जानकारी चाहिए तो आप सभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।